आज हम लोगों का लास्ट सेक्शन है लेटर का, कि ये कंप्लेंट लेटर कैसे हम लोग लिखे और कैसे एग्जामिनेशन से, कैसे एग्जामिनर से और कैसे हम अपने बोर्ड से 10 मार्क आराम से प्राप्त कर सके। तो ये इससे इसके फॉर्मेट को पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न छूटेगा और आप 100% नंबर को लेके आओगे। कहने का मतलब 10 मार्क्स देगा तो बिल्कुल 9-8 कोई नहीं छीनेगा आपसे, ठीक है ना, वो एग्जामिनर विवश हो जाएगा आपको देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रहा है, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर अबाउट द डर्टी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। ठीक है, तो डर्टी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी यानी जो गंदा माहौल बना हुआ है आपके स्थान निवास स्थानों पे, जगहों पर, जगह जगह कूड़ा कचरा, उसको लेके आप लोग किसको, म्युनिसिपल कमिश्नर को आप पत्र लिख रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर का मतलब होता है नगर आयुक्त, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, ये याद रख रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे करके प्रश्न आ जाएगा तो आप नगर आयुक्त के पास पत्र लिखिएगा। और इस प्रकार से जो डर्टी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी है ना, कभी कभी चेंज भी कर सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। रेकलेस बिहेवियर इन योर एरिया, आप अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या फिर कंप्लेंट लिखिए, शिकायत लिखिए कि कैसे रेकलेस बिहेवियर है। रेकलेस मतलब जो ड्राइवर है वो अजीब ढंग से अपना गाड़ी चला रहे हैं जिससे बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना। ओपन द मैनहोल इन योर एरिया, ओपन मैनहोल का मतलब चैम्बर खुला हुआ होना, बरसात वरसात के टाइम में फ्लड भरने के बाद से बहुत लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, गाड़ी पलट जाता है, लोग गिर जाते हैं उसमें, तो वो जानलेवा हो सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पत्र लिख सकते हैं, यानी वहां पे टॉपिक चेंज करेगा तो आप अपने दिमाग से इसी फॉर्मेट में लिखते हुए उसको चेंज कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं यहाँ पे, ये हेडिंग में हम अपना एड्रेस देने की, कहां से ये पत्र लिखा जा रहा है, मीठापुर रोड पटना 1-30 अक्टूबर 2021 को ये पत्र लिखा गया है। अगर नगर आयुक्त खोलेंगे तो सबसे पहले इसी चीज को देखेंगे, कैसे ये पत्र कहां से आया, तो अच्छा मेरी लोकेलिटी कैसे, ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं ये। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोग पत्र किसको लिखते हैं इसके बारे में यहाँ पे देते हैं। टू यानी सेवा में द म्युनिसिपल कमिश्नर पटना 1, यानी सेवा में नगर आयुक्त पटना के, ठीक है ना, पटना 1 नगर आयुक्त महोदय। विषय क्या है, डर्टी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारे स्थानीय निवास का जो स्थान है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज में, ठीक है, तो वहां पर हमारा डर्टी कंडीशन, डर्टी यानी पूरा गंदा रोली, ठीक है ना, कचरा उचरा बहुत सारा पड़ा हुआ है। डर्टी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारे निवास स्थान का गंदी स्थिति। यहाँ पे आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द डर्टी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, बहुत ही बेस्ट लाइन है। यहाँ से आपका बॉडी शुरू होता है और बॉडी में एक्चुअल आपको ही लिखिए जो आपको बताना है, जैसे कि वो अट्रैक्ट हो और उनको पढ़ने के बाद लगे कि नहीं बहुत ही अच्छा बात लिखा गया है। यानी सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हमारे स्थानीय निवास की तरफ जो गंदी स्थिति हो गई है, ठीक है ना, कूड़े कचरों की, उसके तरफ। वार्ड्स का मतलब होता है तरफ। आई एम रेसिडेंट ऑफ बी एरिया पटना, ठीक है ना, मैं कहाँ का निवासी हूँ, बी एरिया पटना का निवासी हूँ। रेसिडेंट का मतलब निवासी होता है, बी एरिया तो हम लोग जानते हैं कहाँ पे, बगल में। आप बी एरिया भी लिख सकते हैं, मीठापुर कॉलोनी भी लिख सकते हैं, लक्ष्मी मार्केट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ले लिख सकते हैं, कहीं पे भी जिस एरिया से बिलोंग करते हो अपना एड्रेस दे दीजिएगा। मेरे दिमाग में आया, मैंने दे दिया। द स्वीपर ऑफ दिस लोकेलिटी आर केयरलेस, जो यहाँ के स्वीपर है, स्वीपर कहने का मतलब जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्या करते हैं, जो झाड़ू पोछा, उनको हम लोग नहीं बोलते स्वीपर, जो साफ सफाई में ध्यान देते हैं। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बहुत सारे स्टाफ को, ठीक है ना, नियुक्त किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है जो हमारे एरिया को साफ और स्वच्छ रखे, तो वो स्वीपर। द स्वीपर दिस लोकेलिटी आर केयरलेस, यानी इस एरिया के जो स्वीपर है वो केयरलेस है, यानी वो ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज करते हैं चीजों को। जैसे उनको तो काम में भेज दिया गया, चुपचाप आराम से चाय पिए, सुट्टा मारे, गप्पा लड़ा रहा है, टाइम हुआ चले गए, ऐसे करके नहीं, उनको अपना काम करना चाहिए। ये यहाँ पे इस पत्र में शायद ये लिखने वाली है माहिरा गुंजन। कौन लिखने वाली है, माहिरा गुंजन। आगे आते हैं, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ बीरिया, हो गए सुपर, दे आर नॉट रेगुलर, और वो रेगुलर भी नहीं है, नियमित भी नहीं है, एक दिन आते हैं, दो दिन गायब हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट देर इज अ प्लेंटी ऑफ गार्बेज ऑन द रोड, और इसी का परिणाम है कि हमारे रोड पर बहुत सारा कूड़ा कचरा जम गया है, पूरा भर गया है। ड्रेन्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन, और जो ड्रेन्स है, ड्रेन्स का मतलब वही हो गया चैम्बर जो होता है ना, वो चैम्बर जो होता है ड्रेन्स, वही जो नलिया होता है, चैम्बर होता है, उसी को ड्रेन्स हम लोग बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वर्ड से आया है ड्रेन्स। तो इसमें सारी गंदगी भरे हुए और वो भी साफ सुथरा नहीं है, प्रॉपरली ढंग से साफ सुथरा नहीं है। डर्टी वाटर ऑफ ड्रेन्स इज ओवरफ्लोइंग ऑन द रोड, और जो गंदी पानियां है उस ड्रेन्स में, जो नली में बह रहे हैं, वो रोड पे चल रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चर्चा की हम अपने इलाका का, कि वहां पे कैसा है कन्या विद्यालय के पास,
थोड़ा सा मुश्किल हालात हो जाता है वहाँ पे, यहाँ के वार्ड काउंसिलर को ध्यान देना चाहिए, रियली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए वार्ड काउंसिलर से ही हमारा एरिया बेस्ट होता है, क्योंकि उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, उनको चुनते हैं, तब उनको चुनेंगे तभी तो हमारे एरिया को ठीक रखेंगे, वो नहीं है तो फिर गड़बड़ है, ऐसे करके ना यहाँ पे नहीं मिला, इसी के नीचे आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जो मेरे पास जगह नहीं मिला तो बच्चे लोग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, I therefore request you to supervise the locality personally and take some prompt and strong action against the guilty person. ये सबसे last line है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करने का लिखना है कि चूंकि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस स्थानीय जो स्थिति, इस स्थानीय स्थिति को आप सुपरवाइज कीजिए, यानी आप अच्छे से देखिए, कोई ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो पर्सनली इस चीजों को हैंडल करे और उसके अगेंस्ट, ठीक है ना, जो केयरलेस है उनके अगेंस्ट एक प्रॉम्प्ट और स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए कि आखिर ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो एक्शन क्या लेना चाहिए, अगर काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, दूसरा आएगा तुम्हारे जगह पे, समझ में आया, इस तरीके से ये प्रॉपर एक्शन होता है, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि काम करते हो पैसे मिले, बिन काम करते पैसा कहीं नहीं है, तो जब आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है, आपको पे कर रहा है, तो यू हैव टू डू दैट, ठीक है ना, आपको वो करना पड़ेगा, और यू शुड टू डू दैट, और आपको वो करना चाहिए, बिकॉज दिस इज आवर सोसाइटी, अगर आप नहीं काम करेंगे तो फिर कौन करेगा, सबका एक अपना काम है, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ आपका काम है पढ़ना, आपके पिताजी का काम है सोसाइटी में और सारे वर्क को करना, है ना, जैसे वो कमाते हैं तो जाहिर सा, वी आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ईच एंड एवरी वन इज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, यही बोला, थैंक यू, शुक्रिया दे रही है, योर फेथफुली आपकी 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 विश्वासी मायरा गुंजन, कौन है मायरा गुंजन, कोई दिक्कत क्या, क्लियर है साहब, ठीक है ना, सो आज का सेक्शन यहाँ पे हम लोग खत्म कर दें, यानी लेटर इससे ज्यादा अब आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए टॉपिक के साथ, बाय बाय, मीट वेरी सून।